अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमर शाहजान है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन फेस चलेगा और वो ही हुआ। 16,000 से इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अप ट्रेंड नहीं बोलूँगा, मतलब बाउंस बैक लिया है इसने। तो वॉल्यूम देख सकते हैं अब यहाँ पर था, लेकिन जो है वो सेलर्स भी एक्टिव थे क्योंकि इतनी लंबी विक लगी हैं, तो मतलब बायर्स का होल्ड था मार्केट के अंदर। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैकडी जो है वो क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 16,500 का है रेजिस्टेंस पे। 16,500 तक जाएगा ये, तो जो टारगेट होगा वो हमारा अभी 16,000 तक का है, 16,500 का ये जो टारगेट है, तो इस यहाँ तक ज़रूर जाएगा। ये रीटेस्ट करेगा एक दफ़ा इसको, रेजिस्टेंस को अपनी। तो 4 आवर में आप देख सकते हैं कि ये भी एक, इसने मैंने जो लेवल्स बताए थे यहाँ से इसने डिमांड जोन से अपनी पंप लिया है, इसने नई डिमांड बनाई है। देखिए 4 आवर में कितना वॉल्यूम आ रहा है और मुझे लग रहा है ये लंबी विक लगेगी इसकी तरह, क्योंकि अभी 3 और 32 मिनट हैं और अभी इतनी पंपिंग दे रहा ही है। तो आप देखें के मार्केट में क्या हो रहा है, ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में पंपिंग दे रहा ही है। तो अभी देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस, एक तो पहली है ट्रेंड लाइन के मुताबिक 16,500, वो दूसरी है 16,600। ये सारी हमें देखनी है, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में पंपिंग दे रहा है और यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिलती रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने इसको हमेशा सपोर्ट तो बनाया है, लेकिन इस दफ़ा इसकी रेजिस्टेंस बनी गई है। तो ये हमें एक चीज़ देखनी है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये देखें, इसको भी ब्रेक कर रहा है ये MA50 को, MA50 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपको पता है जब ब्रेक होता है तो एक हमारा उसके बाद रिटेस्ट के बाद एक हमारी लॉन्ग की पोजीशन बनती है, लेकिन अभी वेट करना है हमें इसकी क्लोजिंग का, उसके बाद इसको स्टेबल करने का। अगर इसने 16,300 की सपोर्ट को स्टेबल कर दिया तो हम एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं 16,600-500 तक। और आप देख सकते हैं मार्केट में तो पैसा आ रहा है, डोमिनेंस में कम जा रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कोई भी ऑल्ट कॉइन खोल के, जैसे सोल ले लें या डॉट ले लें, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में पंपिंग दे रहा है। 1 आवर में खोल के दिखा देता हूँ आपको कि क्या सिचुएशन चल रही है इनकी। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें पंप कितनी एक स्केल बनी 13 से डायरेक्ट 13.7। तो ये देखें डॉट XRP, ये देखें पूरी पूरी पंप दे रहा, कितनी तेजी से पंप दे रहा है, ये देखें, देख रहे हैं आप। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।